थाना महांकाल क्षेत्र अंतर्गत कार्तिक चौक स्थित बाड़ी मोहल्ले के एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। तीनों के पास से लूटा हुआ 3 लाख कैश, जेवरात व मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया, जहां पर नकाब पहनकर लूट करने पहुंचे बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कायम कर नकाब पोश के मामले में दर्ज किया था, जिसके बाद आज उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को अब न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही की जानी है। दरअसल दिनांक 27 फरवरी को फरियादी रिजवान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 26 तारीख की शाम 5 बजे करीब उसके शादी वाले घर में लूट हुई है और हम सब मकान में ताला लगाकर भाई की बारात लेकर गए हुए थे। वापस जब रात में 2 बजे घर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान तहस नहस पड़ा हुआ है और साथ ही में जेवरात और साथ ही में नकदी भी गायब थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 457 और 380 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया, जिसके बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में एसपी और सीएसपी व थाना प्रभारी ने बड़े मोहल्ले के ही 3 बदमाशों पर शक जताया, जो कि सटीक बैठा। जहां पर मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों ने स्वीकार किया, जहां पर बदमाशों में एक का नाम फैजल खान पिता गयूर खान उम्र 22 वर्ष, दूसरा सोहेल उर्फ गोनी पिता कल्लू खान उम्र 23 वर्ष और तीसरा शाहरुख उर्फ कल्लू पिता सलीम खान 22 वर्ष है। तीनों के पास से पुलिस ने सोने के झुमके, 3 जोड़ी चांदी की पायल व नकदी रुपए व एक मोबाइल बरामद किया है। बदमाशों से शहर में हुई अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। 26 फरवरी की रात को थाना महाकाल के अंतर्गत कार्तिक चौक के पास बाड़ी मोहल्ले में एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें घर में दरवाजा जो ताला तोड़ करके नकदी सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस महाकाल थाना के द्वारा इसमें नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और अज्ञात अपराधियों की पतासाजी की गई। थाना प्रभारी महाकाल श्री अरविंद तोमर और उनकी पूरी टीम के द्वारा इसमें सूचना संक्रमण के माध्यम से कुछ जो संदिग्ध लोग मिले उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर जो पूरा मसरूका है इसमें सोने चांदी के सभी जेवरात, नकदी लगभग 3 लाख के आसपास, मोबाइल पूरा जब्त किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों में से एक का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, 2 आरोपी उसके सहयोगी है, सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।